आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देशातारिणे मंचाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपर कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्ववेदांत सारमे श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृता तृप्तस्य नान्यत्र शाद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद धाम वृंदावन रम्य काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेण या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम कुमार्थ महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम् तत्राधरो न परम् मूकं करोति वाचालम् अंगूलं घ्रियते गिरिम् यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध के 30वें अध्याय से, जिसमें भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन कि जो शास्त्र के विपरीत किए जाते हैं उन कर्मों का क्या परिणाम होता है। इसमें हमने श्रवण किया था कि जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए लालायित रहता है, वो निश्चय ही अंधतामिस्त्र नामक गहनतम नरक में जाता है। समस्त कष्ट कर नारकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतर रूपों को क्रमशः पार करते हुए इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। इससे पहले भी हमने सुना कि इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लूट गई। इस शरीर को त्याग करके वह अकेला नरक के अंततम भागों में जाता है। वहां अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही पाथेय के रूप में उसके साथ में जाता है। इस प्रकार से हमने कल 30वें अध्याय में श्रवण किया। आज हम 31वें अध्याय से श्रवण करेंगे जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। श्री भगवान उवाच, कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देह उपपत्ये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसः रेतः कणाश्रय। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीवात्मा पुरुष के वीर्यकरण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। तात्पर्य जैसा कि पिछले अध्याय में कहा चुका, नाना प्रकार की नारकीय स्थिति को भोगने के बाद जीव पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। इसी अध्याय में उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया गया है। किसी व्यक्ति को जिसने पहले नारकीय जीवन बिताया है, मनुष्य का स्वरूप देने के लिए आत्मा को पहले पुरुष के वीर्य में स्थानांतरित किया जाता है, जो उसका पिता बनने के उपयुक्त हो। संभोग के समय पिता के वीर्य से वो आत्मा माता के गर्भ में स्थानांतरित होता है, जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। यह विधि समस्त प्राणियों पर लागू होती है, किंतु यहाँ पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है जो अंधतामिस्त्र में चला गया। वहां कष्ट भोगने के बाद जब कुत्ता तथा शुक्र जैसे अन्य शरीर शरीर धारण कर चुका होता है, तो पुनः मनुष्य का स्वरूप प्राप्त करने के लिए उसे उसी प्रकार शरीर धारण का करने का अवसर दिया जाता है जिसमें वह नरक में जा पड़ा था। ये सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। प्रकृति शरीर प्रदान करती है, किंतु परमात्मा के निर्देशन में। भगवद गीता में कहा गया कि जीव इस जगत में प्रकृति के द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। जीव इस जगत में प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। परम पुरुष परमात्मा रूप में व्यष्टि आत्मा के साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। वो प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म फल के अनुसार शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति को निर्देश देता है। परमात्मा जो है प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म फल के अनुसार शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति को निर्देश देता है। कर्म फल के अनुसार कौन देता है? परमात्मा रूप में व्यस्त आत्मा सदैव उपस्थित रहते हैं। वह उस आत्मा को कर्म फल के अनुसार शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति को निर्देश देता है, जिसे प्रकृति करती। यहाँ पर रेत कणाश्रय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि बताता है कि मनुष्य के वीर्य से स्त्री के गर्भ में जीव उत्पन्न नहीं होता, अभी तो जीव ही आत्मा वीर्य करने का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में जाता है। जीवात्मा वीरी कण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में जाता है, तभी शरीर विकसित होता है। आत्मा की अनुपस्थिति में मात्र संभोग से जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। आत्मा की अनुपस्थिति से मात्र संभोग से जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। यह भौतिकतावादी सिद्धांत लागू नहीं था कि आत्मा नहीं है और शिशु का जन्म केवल शुक्राणु तथा रज के संयोग से होता है। यह सिद्धांत मान्य नहीं। कललम तु एक रात्रेण पंच रात्रेण बुद्बुदम दशाएन तु कर्कंधु पेशी अंडम वा ततः परम। पहली रात्र में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं, और पांचवी रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। दसवीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। अपने आत्मा का शरीर विभिन्न स्रोतों के अनुसार चार प्रकार से विकसित होता है। एक प्रकार का शरीर पौधों का है जो पृथ्वी से फूटता है। दूसरे प्रकार का शरीर पसीने से उत्पन्न होता है, जैसे मक्खी कीड़े तथा कठवा। तीसरे प्रकार का शरीर अंडे से विकसित होता है और चौथे प्रकार का शरीर भ्रूण से उत्पन्न होता है। इस श्लोक से सूचित होता है कि शुक्राणु तथा रज के मिलने के पश्चात धीरे धीरे मांस के पिंड में या अंडे में विकसित होता है। पक्षियों में अंडा बनता है और पशु तथा मनुष्य में मांस का पिंड बनता है। मासेन तो श्रद्धाभ्याम बाहु अंग्री आदि अंग विग्रह नखलोम अस्थि चर्माणि लिंग छिद्र उद्भव त्रिवि। एक महीने के अंदर भीतर सिर बन जाता है, 2 महीने के अंत में हाथ पांव तथा अन्य अंग कर पाते हैं, तीसरे मंथ के अंत तक नाखून अंगुलियां अंगूठे रोए हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट होती है, तीसरे मास के अंदर। और इस तरह जनेन्द्रियां तथा आंखें नथुने कान मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। चतुर्भिः घात धातव सप्त पंचभिः क्षुत त्रुट। चतुर्भिः धातव सप्त पंचभिः क्षुत त्रुट उद्भव। षडिव जरायुणा वीत कुक्षो भाम्यतिता दक्षिणे। गर्भधारण चरण के अंदर 4 महीने के अंदर भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव रस रक्त मांस चर्बी हड्डा मज्जा तथा वीर्य 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है, और 6 मास के अंदर झिल्ली के अंदर बंद भ्रूण उदर के दाहिनी भाग में चलने लगता है। छह मास के अंत तक शिशु का शरीर पूरी तरह बन जाता है, और यदि भ्रूण नर हुआ तो दाहिनी ओर चलता है, किंतु मादा होने पर बाईं ओर चलता है। मातु जगदन्न पान आदे दधातु सम्मते। मातु जगदन्न पान दे एदत् धातु सम्मते शेते विट मूत्रियो गर्ते सजंतु जंतु संभवे। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है, और मल मूत्र के घृणित स्थान में माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है, और मल मूत्र के घृणित स्थान में जब सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है रहा आता है।
मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि आप्यायनी अर्थात नाल बच्चे को माता की आंत से जोड़ती है और इसी मार्ग से माता द्वारा पचाया गया भोजन शिशु को जाता है। इस प्रकार घर के भीतर शिशु अपनी माता के आंत के माध्यम से पोषित होता है और नित्य प्रति बढ़ता रहता है। मार्कंडेय पुराण के इस कथन की पुष्टि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा होती है, अतः पुराणों के प्रमाणों को काटा नहीं जा सकता है। चूंकि शिशु माता द्वारा सांगीकृत भोज्य पदार्थ पर पूर्णतः निर्भर रहता है, अतः गर्भावस्था में माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर प्रतिबंधन रहते हैं। गर्भिणी माता को अधिक नमक, मिर्ची, प्याज आदि खाने की मनाही रहती है, क्योंकि शिशु का शरीर अत्यंत कोमल रहता है और इस तरह की तिक्त वस्तुओं को शिशु सहन नहीं कर पाता है। स्मृति शास्त्र में निर्दिष्ट गर्भिणी माता द्वारा करणी तथा निषेध अत्यंत उपयोगी है। हमें वैदिक साहित्य से पता लगता है कि समाज में शिशु उत्पन्न करने की तरफ कितना ध्यान दिया जाता था। पहले समाज के उच्च वर्णों में प्रसंग के पूर्व गर्भाधान उत्सव का विशेष महत्व था और वो भी वैज्ञानिक। गर्भाधान अवस्था के समय वैदिक साहित्य में संस्तुत अन्य विधियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिशु की देखभाल करना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य, क्योंकि इससे समाज ऐसे लोगों से पूर्ण हो सकेगा जिससे समाज, देश तथा मानव जाति के लिए शांति तथा संपन्नता आ सके। कृमि वीक्षत सर्वांग सौ कौमार्यत प्रतीक्षण मूर्छाम आपनौति उरुक्लेशः तत्रत्ये क्षुधिते मुः। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण क्षण प्रतिक्षण अचेत होता रहता है। तात्पर्य संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव में माता के गर्भ से बाहर निकलने पर नहीं अभी तो गर्भ में रहते हुए रहता है। यह कष्टप्रद अवस्था जीवन उसी समय प्रारंभ हो जाता है जब जीव शरीर से संपर्क स्थापित करता है। दुर्भाग्य से हम इस अनुभव को भूल जाते हैं, जन्म के कष्टों पर गंभीरता से विचार नहीं करते। अतः भगवद गीता में विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाइयों को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया, मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में अंतःकरण करना होता है और जब कुत्तों तथा सूरों के शरीर में अंतःकरण होता है तो विशेष कष्ट होता है। ये तो ऐसी कष्टप्रद स्थितियों के होते हैं, हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं और वर्तमान तथा कथित सुख द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कष्ट की प्रतिक्रिया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। कटु तीक्ष्ण उष्ट लवण रुक्ष अम्ल आदि भी उल्बणे मात्र भुक्ते उपस्पष्ट सर्वांगोत्थित वेदना। माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा होती रहती है, जो प्राय असहनीय होती है। माता के गर्भ में स्थित शिशु की शारीरिक अवस्था का पूरा वर्णन कर पाना संभव है। ऐसा स्थिति में रहना अत्यंत कठिन होता है, किंतु फिर भी शिशु को उसी स्थिति में रहना पड़ता है। चेतना का ठीक से विकास न होने के कारण शिशु सहन करता, अन्यथा मर जाएगा। यह माया का आशीर्वाद है जो कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान करता है। उल्बे न समृत तस्मिन् अंतरे च बहि आव्रत आस्ते कृत्वा सिरा कुक्षो भुग्न पृष्ठ शिराधर। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका हुआ घिरा हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है, उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा रहता है और उसका कमर तथा गर्दन धनुष आकार में मुड़ा रहता है। यदि किसी बड़े मनुष्य को उस अवस्था में रखा जाए जिसमें एक शिशु उदर के भीतर सब प्रकार से फंसा रहता, तो उसके लिए तो उसको एक क्षण भी जीवन दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा।
एक क्षण में जीवन दुर्भव हो जाएगा। दुर्भाग्य वो समय, सारे कष्ट याद नहीं रहते और हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। हम जन्म मृत्यु के पास से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी चिंता नहीं करते। यह हमारी सभ्यता तक दुर्भाग्य सभ्यता का दुर्भाग्य की बातें ठीक से समझाई नहीं जाती, जिससे लोग संसार की नाजुक स्थिति को समझ सके। अकल्प सांग चेष्टायाम कल्पः साङ्गचेष्टायां शकुन्तः इव पञ्जरे तत्र लब्धस्मृति देवात् कर्म जनं शतध्वं स्मरन् दीर्घम् अनुच्छास्वं शर्म किं नाम विन्दते। इस तरह शिशु पिंजड़े के पक्षी के समान बिना हिले डुले रह रहा था। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण आ पाता और वो दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव। जन्म के बाद शिशु भले विगत जीवन के कष्टों को भूल जाए, किंतु जब हम बड़े होते हैं तब श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़कर इतना तो समझ सकते हैं कि जन्म तथा मृत्यु के समय कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती है। यदि शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं तो अलग बात है, किंतु यदि ऐसे शास्त्रों के प्रमाण पर हमारा विश्वास है तो हमें अगले जन्म में इससे मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा इसी मनुष्य जीवन में संभव है। जो इन संकेतों की परवाह नहीं करता वो आत्मघात करता है। कहा गया कि मनुष्य जीवन ही माया के अंधकार को या भव सागर को पार करने का एकमात्र साधन। यदि शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं तो अलग बात है, किंतु यदि ऐसे शास्त्रों के प्रमाण पर हमारा विश्वास है तो हमें अगले जन्म में इससे मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा इसी मनुष्य जीवन में संभव है। जो इन संकेतों की परवाह नहीं करता वो आत्मघात करता है। कहा गया कि मनुष्य जीवन ही माया के अंधकार को या भव सागर को पार करने का एकमात्र साधन है। हमारे पास ये अत्यंत मनुष्य शरीर अत्यंत सक्षम नाव के समान है। गुरु इसका अत्यंत दक्ष कप्तान है। शास्त्रीय आदेश अनुकूल हवाओं के समान है। यदि इन सारी सुविधाओं के रहते हुए भी हम अज्ञान के सागर को पार नहीं कर पाते तो हम जानबूझकर आत्मघात कर रहे होते। आरभ्य सप्तम आत्मा सात लब्ध बोध अपि वेपितः न एकत्रास्ते सुदीवाते विष्ठाभु इव स उदरः। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर शिशु हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है, जो भ्रूण को प्रसव से कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। इस प्रकार से गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है, जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। वह उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। 7वें मास के बाद शिशु शारीरिक वायु से हिलने डुलने लगता है, एक स्थान पर नहीं रहा था, क्योंकि प्रसव के पूर्व सारा योनि तंत्र शिथिल पड़ जाता है।
यहाँ पर कीड़ों को सोदर कहा गया। सोदर का वास्तविक अर्थ एक ही माता से उत्पन्न, चूंकि शिशु माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और कीड़े भी उसी माँ के गर्भ के भीतर सड़न से उत्पन्न होते हैं, तो शिशु तथा कीड़े वास्तव में भाई भाई। हम मनुष्यों में भ्रातत्व स्थापित करने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो हमें कीड़ों को भी अपना भाई मानना चाहिए। अन्य प्राणियों की बात तो और ही है, अतः हमें समस्त प्राणियों के प्रति चिंतित रहना चाहिए। नाथमाना ऋषि भीत सप्ताब्द्री कृतांजलि स्तुवीत तमक्लीवा वाचा येन उदरे अर्पित। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयव के 7 आवरणों से बंधा जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है, जिन्होंने इस स्थिति में ला के रखा है। तो इस 7 आवरण कौन से हैं, ये हमने पहले श्रवण किया था। रक्त रस रक्त मांस चर्बी हड्डी मज्जा तथा वीर्य। कहा जाता है कि जब स्त्री को प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो प्रतिज्ञा करती है कि अब वो फिर से गर्भधारण नहीं करेगी और ऐसा कष्ट फिर नहीं उठाएगी। इसी तरह से जब किसी का अस्पताल में ऑपरेशन होता है तो रोगी प्रतिज्ञा करता है कि वो ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे बीमार पड़े फिर ऑपरेशन कराना पड़े। या जब कोई व्यक्ति संकट में पड़ता है तो प्रतिज्ञा करता है कि पुनः ऐसी भूल नहीं करेगा जिससे संकट में पड़े। उसी तरह जब जीव नारकी अवस्था को प्राप्त करता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि पुनः पाप कर्म नहीं करेगा जिससे माँ के गर्भ में जाकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े। गर्भ के भीतर की नारकीय अवस्था में जीव पुनः जन्म लेने से भयभीत रहता है, किंतु जब वो गर्भ से बाहर आ जाता है तब वो पूरी जवानी में और स्वस्थ होता है और सब कुछ भूल जाता है, पुनः वही वही पाप करता है जिसके लिए उसे भयानक स्थिति में रखा गया। जंतुर्वाचा, अब जीव जो है भगवान से प्रार्थना करता माता के गर्भ में, तस्या प्रसन्नम अवितुम जगत इच्छयात् नाना तनो भुवि चलत चरणारविंदम साहं व्रजामि शरणम हि अकुत भयम् मे येन दृशी गति यदर्श्य सत्तन। जीव कहता है मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं जो अपने नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। जीव कहता है मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वो मुझे निर्भय कर सकते हैं, उन्हीं से मुझे जीवन आस्था प्राप्त हुई जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप। तात्पर्य चलत चरणारविंदम शब्द भगवान का सूचक है जो पृथ्वी पर चलते या भ्रमण करते हैं। उदाहरण के लिए भगवान रामचंद्र पृथ्वी पर चले और भगवान कृष्ण भी सामान्य मनुष्य की भांति घूमते रहते थे। अतः ये प्रार्थना उन भगवान से की जाती है जो इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के किसी भी भाग पर साधुओं की रक्षा करने तथा साधुओं को नष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई कि जब जब धर्म का हास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तो भगवान सत्पुरुषों की रक्षा करने और असाधुओं को मारने के लिए अवतरित होते हैं। इस श्लोक से भगवान कृष्ण का संकेत मिलता है। इस श्लोक की अन्य विशेषता है कि भगवान इच्छे अर्थात स्वेच्छा से आते हैं, जैसा कि भगवद गीता से पुष्टि हुई संभवाम्यात्ममाया, मैं अपनी इच्छा से अपना अतरंग शक्ति से प्रकट होता हूँ, प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर नहीं आते।
प्रकृति के नियमों से बात देव को नहीं आते हैं। यहाँ पर इच्छा है, कहा गया कि वे कोई स्वरूप धारण नहीं करते जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से आते हैं और वे जिस रूप में अवतरित होते हैं वह सनातन रूप। जिस तरह परमेश्वर जीव को भयावह स्थिति में डालता है उसी तरह वह उसका उद्धार भी करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाए। कृष्ण चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को त्यागो और मेरी शरण में आओ। भागवत गीता में यही कहा गया कि जो उनके पास चला जाता है संसार में पुनः शरीर धारण करने नहीं आता, अभी तो भगवान के धाम जाता है जहां से कभी नहीं लौटता। यस्तात्रबद्धे कर्माभ्यावृतात्मा भूतन्द्रियाशयमयीमवलम्बिमायाम् आस्ते विशुद्धम् अभिकारम् अखण्डबोधम् आतप्यमानं हृदयस्थितं नमामि। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्था वशी इस समय माता के घर में पड़ा हूँ। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्था जिस समय अपनी माता के घर में पड़ा हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो आया मेरे साथ है किंतु जो अप्रभावित है और अपरिवर्तनशील है, वे असीम है किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य पिछले श्लोक में है कि जीवात्मा कहता है कि मैं परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ, फलतः स्वाभाविक रूप से जीवात्मा परमात्मा का आश्रित सेवक है। परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों ही के शरीर में बैठे हैं, जैसा कि उपनिषद का कथन है, मित्र रूप में बैठे हैं। एक तो कष्ट भोग रहा है, दूसरा कष्टों से सर्वथा विलग। इस श्लोक में विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम आया है, जिसका अर्थ है परमात्मा समय समस्त कलमश से सदैव दूर रहता है। शरीर होने के कारण जीव कलमश ग्रस्त और कष्ट उठाता है, जिसका अर्थ यह नहीं कि चूंकि भगवान भी उसके साथ है इसलिए भगवान भी भौतिक शरीर है। भगवान अविकारम अर्थात परिवर्तन रहित है, वे सदैव एक से रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मायावादी चिंतक अपने अशुद्ध हृदय के कारण नहीं जान पाते कि परमात्मा व्यष्टि आत्मा से भिन्न। यहाँ पर कहा गया कि आतप्त्यमान हृदय वसितम, वे प्रत्येक जीव के हृदय में है किंतु वे केवल संतप्त आत्मा द्वारा ही अनुभव गम्य है। व्यष्टि आत्मा संतप्त रहता है और उसने अपनी स्वाभाविक स्थिति भुला दी है। परमात्मा से तदाकार होना चाहा तथा प्रकृति पर अधिकार जाने का भरसक प्रयत्न किया, साथ ही उसे परमात्मा का दर्शन होता है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की अनेक अनेक जन्मों के बाद भतीजी को ज्ञान होता है कि वासुदेव महान है, वही स्वामी है, वही भगवान है, व्यष्टि आत्मा सेवक है। अतः भगवान की शरण जाता है, इस प्रकार वह महात्मा या महान आत्मा हो जाता है। अतः ऐसा भाग्यवान जी जो अपनी माता के गर्भ में ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसकी मुक्ति निश्चित। यह पंचभूता रचिते रहिता शरीरे छन्ना यथा इंद्रिय गुणार्थ चित्तात्मकमो तेना विकुंठ महिमानम ऋषिम तमेनम वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसम। मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग गया हूँ, फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है।
यद्यपि मूलतः अध्यात्म को चुके ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं, और चूंकि उनका अध्यात्म गुण महिमा में आता है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य जीवात्मा तथा भगवान का आंतरिक जीव प्रकृति के वश में रहता है, जबकि भगवान प्रकृति तथा जीव दोनों से परे। जब जीवात्मा प्रकृति में रहता है तो उसकी इंद्रिया तथा उसके गुण कलुषित हो जाते हैं। जब जीवात्मा प्रकृति में रहता है तो उसकी इंद्रियां तथा उसके गुण कलुषित हो जाते हैं या उपाधिमय हो जाते हैं। चूंकि भगवान प्रकृति के प्रभाव से बाहर हैं, उन्हीं संदेह जीव की तरह उन्हें अज्ञान के अंधकार में नहीं रखा जा सकता। अतः भौतिक गुणों या इंद्रियों से युक्त होने की उनकी कोई संभावना नहीं रहती। अपने पूर्ण ज्ञान के कारण उन पर प्रकृति का वश नहीं चलता। अपने पूर्ण ज्ञान के कारण उन पर प्रकृति का वश नहीं चलता, उल्टे प्रकृति सदा उनके वश में रहती है। अतः प्रकृति के वश की बात नहीं कि वो भगवान को अपने वश में रख सके। क्योंकि जीव का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, अतः वो प्रकृति के वश में होता रहता है, किंतु जब वो मिथ्या शरीर से मुक्त हो जाता है तो भगवान जैसी ही आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करता है। उस समय उसमें तथा परमेश्वर में कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता, किंतु वो इतना शक्तिमान नहीं होता कि प्रकृति के वश में कभी न्याय होता तो भगवान से भिन्न होता। भक्ति की पूरी प्रक्रिया ही अपने आप को प्रकृति के इस कलमश से शुद्ध करना और आध्यात्मिक स्तर पर आसीन करना, जहाँ वह और भगवान गुणात्मक रूप से एक होते। वेदों में कहा गया कि जीव सदैव मुक्त रहता है, असंगो हई अयम पुरुषम, जीव मुक्त है। उसका भौतिक कलमश क्षणिक है और उसकी वास्तविक स्थिति मुक्तता की है। यह मुक्ति कृष्ण भावनामृत द्वारा प्राप्त की जाती है और शरणागत होने के साथ साथ प्रारंभ होती है। इसलिए कहा गया, मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ। श्लोक यतमायया गुणकर्म निबंधने अस्मिन् संसारिके पथि चरण तत् अभिश्रमेण नष्टा स्मृति पुनायम प्रवणति लोकम युक्त्या कया महत अनुग्रहम अंतरेण। जीवात्मा आगे प्रार्थना करता है, जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है, जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता है। जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है, जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता है। यह पद्य जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान के दिव्य बिना प्रेम भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता। मायावादी चिंतकों का कहना है कि मीमांसा द्वारा ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है, किंतु यहाँ पर कहा गया कि मनुष्य ज्ञान से नहीं अपितु भगवान की कृपा से मुक्त होता है। कोई बद्ध जीव मीमांसा द्वारा कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो प्राप्त कर ले, उससे परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। कहा जाता है कि भगवान की कृपा के बिना कोई उनके वास्तविक रूप गुण तथा नाम को नहीं समझ सकता। जो भक्ति नहीं करते हैं वे कई हजारों वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी परम सत्य के स्वभाव को समझने में असमर्थ रहते हैं।
मनुष्य परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके केवल श्री भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह स्पष्ट कहा गया कि चूंकि हम भगवान की भौतिक शक्ति द्वारा आवृत हैं, इसलिए हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। यह तर्क किया जा सकता है कि भगवान की परम इच्छा से हमें इस भौतिक शक्ति के अधीन क्यों रखा गया। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई, जहां भगवान कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में आसीन और मेरे कारण मनुष्य भूलता या ज्ञान में जीवित रहता है। बद्ध जीव की विस्मृति भी परमेश्वर के आदेश से होती है। जीव अपनी बची खुची स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के कारण करता है। स्वतंत्रता का अर्थ है मनुष्य इसे ढंग से या बेढंग से इस्तेमाल कर सकता है। यह अचल नहीं है, सक्रिय है। फल स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही माया के वशीभूत होने का कारण। माया इतनी प्रबल है कि भगवान कहते हैं इसके प्रभाव को पार कर पाना दुष्कर। माया इतनी प्रबल है कि भगवान कहते हैं इसके प्रभाव को पार कर पाना दुष्कर है, किंतु मनुष्य भगवान की शरण में जाकर सहज ही ऐसा कर सकता है। माम एव प्रपद्यन्ते, जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वह प्रकृति के कठोर नियम के प्रभाव को पार कर सकता है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीव उनकी इच्छा से माया के वश में है, और यदि कोई उस पास से छूटना चाहता है तो यह भगवान की कृपा से ही संभव। यहाँ पर माया के अधीन बद्ध जीव के कर्मों की व्याख्या ही, प्रत्येक बद्ध जीव माया के अधीन नाना प्रकार के कर्म लगाए। हम इस संसार में देख सकते हैं कि जीव इतनी शक्ति से कर्म करता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में उसका आश्चर्यजनक योगदान है। किंतु वास्तव में उसका अपना पद जानना चाहिए कि वह परमेश्वर का शाश्वत दास है। जब तक वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह जान जाता है कि भगवान परम पूज्य जीवन का शाश्वत दास है। बिना इस ज्ञान के वह भौतिक कार्य में लगा रहता है, यह ज्ञान या अविद्या कहलाता है। ज्ञानम यथेतत् अददात कथम सदैव त्रैकालिकं स्थितचरेषु न वर्तितं सत्त्वम्। तमजीव कर्म पदवीं मनु वर्तमाना तापत्रयोपशमनाय वयं भजे। भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है? वे काल की इन तीनों अवस्थाओं में भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रहते हैं, और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी शरण ग्रहण।
तात्पर्य जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूटने के लिए उत्सुक रहता है तो उसके अंतःकरण में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान उसे ज्ञान देते कि मेरी शरण में आओ। जैसा कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अन्य सारे कार्यों का परित्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो, यह मानना होगा कि ज्ञान का स्रोत परम पुरुष। भगवद गीता में इसकी पुष्टि मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कहते हैं मेरी ही द्वारा मनुष्य वास्तविक ज्ञान तथा स्मृति प्राप्त करता है और मुझे से स्मृति भी मिलती है। जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहता है या जो प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, भगवान उसे अपनी सेवा की स्मृति तथा भौतिक कार्यकलापों की तथा ईश्वर का अवसर प्रदान। जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहता है या जो प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, भगवान उसे अपनी सेवा की विस्मृति तथा भौतिक कार्यकलापों के तथा कथित सुख का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार जब कोई इस प्रकृति पर अधिकार करने में हताश हो जाता है और भवबंध से छूटना चाहते तो भगवान उसे भीतर से ज्ञान प्रदान करते हैं, उनकी शरण में आ जाए तभी उसकी मुक्ति होगी। ये ज्ञान भगवान या उनके प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि जीव जन्म जन्मांतर घूमता है और संसार के कष्ट को भोगता रहता है, कि तो जब कोई भाव बंधन से छूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो हमें उसे गुरु तथा कृष्ण से प्रकाश प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और जब जीव वास्तव में उत्सुक होता है तो उसे अपने प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने का आदेश देते हैं। गुरु द्वारा भीतर से निर्देशित तो होकर तथा बाहर से पथ दिखाने जाने पर मनुष्य को कृष्ण भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, जो भाव बंधन से छूटने का कारण। अतः जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई अपने वास्तविक पद पर स्थित नहीं हो पाता। जब तक उसे परम ज्ञान द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं होता तब तक उसे जगत में जीवन संघर्ष के लिए कठिन यातनाएं झेलनी पड़ती। अतः गुरु परम पुरुष की कृपा का प्राकट्य होता है। बद्ध जीव को गुरु से प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करने होते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। कृष्ण भक्ति का बीज बद्ध जीव के हृदय में बोया जाता है और जब मनुष्य गुरु के उपदेश सुनता है तो बीज फलित होता है और जीवन धन्य हो जाता है। देहन्य देहे विवरे जठर अग्निनाश्रग वीट मूत्र को पतित भ्रष्ट तप्त देह इच्छन्नित विवसितुम गणयन् त्वमासान निर्वासते कृपणधी भगवन् कदानु। अपनी माता के उदर में रक्त मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता है और प्रार्थना करता है कि भगवान यह भागा जीव कभी कारागार से मुक्त हो पाएगा।
तात्पर्य यहाँ पर माता के गर्भ में जीव की विषम परिस्थिति का वर्णन किया गया। एक ओर शिशु जठराग्नि की उष्मा से तपता रहता है, दूसरी ओर मल मूत्र रक्त आदि रहते हैं। 7 मास के पश्चात शिशु में चेतना आ जाती है, अतः उसे अपनी दूसर स्थिति का बोध होने लगता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। 12 महीने तक वो माहों की गिनती करता रहता है, कारागार से निकलने के लिए व्यग्र रहता है। तथा कथित सभ्य मनुष्य जीवन की इस भयावह स्थिति पर ध्यान नहीं देता है और कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य गर्भ निरोधक विधियों या गर्भपात के द्वारा उसे मारने का प्रयत्न करता है। ऐसे लोग गर्भ की भयावह स्थिति के प्रति चिंतित न रहकर भौतिकता में पड़े रहते हैं और मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं। इस श्लोक का कृपण धी शब्द महत्वपूर्ण। धी का अर्थ है बुद्धि और कृपण का अर्थ है कंजूस। बद्ध जीवन उन लोगों के लिए बनाए जो बुद्धि के कृपण है और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। मनुष्य में बुद्धि विकसित रहती है और उस बुद्धि का उपयोग जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए करना रहता है। जो ऐसा नहीं करता कंजूस है, उसे केवल देखता रहे। जो व्यक्ति अपने मानव बुद्धि का जो उपयोग जन्म मरण के चक्र अर्थात माया के पास से निकलने के लिए नहीं करता, कंजूस माना जाता है। कृपण का विलोम है उदार। ब्राह्मण जो है उदार कहलाता है क्योंकि वो अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग आध्यात्मिक बोध के लिए करता है। उस बुद्धि का उपयोग जनता के लाभ हेतु कृष्ण भक्ति का उपदेश करने के लिए करता है, इसलिए उदार कहलाता है। जीव इस प्रकार से प्रार्थना करता है। आगे बोलता है, येने दिशम गतिमसो दशमाशेष संग्राहित पुरुदयेन भवादशेन स्वेनेव तुष्यतु कृतेन सदीन नाथ हे भगवान, आपकी अहेतु की कृपा से मुझ में चेतना आई है। यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ, पतित आत्माओं का मित्र भगवान की इस अहेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या? जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, शरीर के भीतर आत्मा के स्थित परमात्मा ही बुद्धि तथा विस्मृति देने वाले हैं। जब भगवान देखते हैं कि बद्ध जीव माया के बंधन से छूटने के लिए उत्सुक है, तो वे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु के रूप में बुद्धि प्रदान करते हैं अथवा साक्षात भगवान का अवतार लेकर उपदेश देते हैं, जैसे भगवद गीता। भगवान सदैव ऐसा अवसर देखते हैं कि पतित आत्माओं को ईश्वर के धाम ले जाया जाए। हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि वे हमें सदैव सुखी बनाना चाहते हैं। हमारे पास भगवान की भलाई झुकाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं, अतः हम केवल कृतज्ञता का अनुभव कर सकते हैं और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ नास्तिक लोग गर्भस्थ शिशु की प्रार्थना के विषय में संदेह कर सकते हैं कि शिशु अपनी माँ के गर्भ में ऐसी सुंदर प्रार्थना कैसे कर सकता है, किंतु भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। बाह्य रूप से शिशु को इतनी भयानक स्थिति में रखा जाता है कि आंतरिक रूप से वही है और भगवान वहां होते। भगवान की दिव्य शक्ति से सब कुछ संभव। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीव जो है जंतु वाचा, इस जीव कैसे भगवान की प्रार्थना करता है माता के गर्भ। ये जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल का उपदेश। अभी जंतु की जीव की जो माता के गर्भ में और भी प्रार्थना है, वो प्रार्थना को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों।